शराब और गांजा बेचने के काम करने से रोकने पर पति की पिटाई से जीवन और मौत से जूझ रही विवाहिता पुष्पा देवी। पुलिस सूचना पर आरोपी पति और उसके पिता को गिरफ्तार कर जख्मी विवाहिता को सदर अस्पताल में इलाजरत किया है। बक्सर जिले के इटाढ़ी थाना इलाके के इटाढ़ी गांव में आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया है। सदर अस्पताल इलाज के लिए पहुंची जख्मी पुष्पा देवी अपने दूध मुंह बच्चे के साथ लेकर पहुंची। शरीर पर गहरे जख्मों के निशान और अंदरूनी चोट देख डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया। जख्मी हालात में विवाहिता ने बताया कि पति नाजायज ढंग से शराब और गांजा का कारोबार करते हैं। अक्सर मना करती थी कि गलत काम मत करें। विगत दिन पति ने 2 लाख रुपए अपने नाजायज कारोबार के लिए मांगने लगा। जब देने से इनकार की तो बुरी तरह पीट पीट कर जख्मी कर दिया। मूल रूप से रोहतास जिले के विक्रमगंज मोथा गांव निवासी राजा राम साह की पुत्री पुष्पा की शादी इटाढ़ी में वर्ष 2011 में हुई थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, परंतु शादी के बाद से ही नाजायज कारोबार शराब और गांजा का पति करने लगा। नाजायज कारोबार का विरोध करने पर वह जान लेने पर तुला है। संजय उपाध्याय के साथ गुड्डू आजाद की रिपोर्ट, बक्सर से। यो मांगत रहन कतन के 2 लाख रुपया पर बाबू मई से मंगवा, नहीं तो तेरा के जान से मार दे। तो ये 2 लाख रुपया वो शराब उराब बेचने के लिए मांग रहे थे, किस काम के लिए मांग रहे? जी है? जी कहतन जुटो के हमार नौकरी लगाता। आप इस बात को विरोध की थी तो इसलिए आपको मारे हैं? जी नहीं, खाली ये बच्चा मर कागज गिरा दल रहे, बस यही पर मारे लगल। मार के मुआई। क्या नाम है आपका? पुष्पा देवी। जब वो गलत काम कर रहे थे तो आप उसके पुलिस में नहीं बोले? जी बोलने रहे। जी धराइल पकड़ाई। पहले से आपको मालूम था वो काम करते थे ऐसा काम? नहीं, बाद में पता चला। कहाँ शादी हुआ था आपका? इटाढ़ी। इटाढ़ी किस गांव में? शांति मोहल्ला। अब कितने बच्चे हैं? 2 लड़का 1 लड़की। अच्छा, तो आज क्या मामला हुआ था आपको कि आपको ऐसा मतलब काम किया करना? आज कुछ ना, छत पे गई लहनी, सास कह दे छत पे कहे गई लहनी, बस यही पर मार के एकदम घिसरे साड़ी मार के मार झगड़ा पेर के मार लगल। जतना दोनों जना सास ससुर रहन ना रहन घर बहर गई रहन, जब अलन तो कतन कह रे कह रे, बस यही कतन के बूढ़ो कतन के मार मार मार। तो आपके गले पे निशान है, कैसा निशान है? जी गले दबाओ तो रह जाए, दोनों जना सास ससुर मारा दे। क्या नाम है हस्बैंड का? हस्बैंड का लोक कुमार गुप्ता। लोक कुमार गुप्ता नाम है उनका, और ससुर का? ससुर के राम कुमार गुप्ता। तो वो लोग आपको मारने के लिए बोल रहे थे? जी हमेशा कहता हूँ काट के तरह गंगा जी में फेंकवाई हमरे के, हम केस लड़म चल तू केस लड़। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है अभी आपसे? पुलिस आई थी मिलने के लिए? जी। क्या बोली पुलिस? पुलिस क्या कही है? जी 3 दिन से फोन करता नहीं पुलिस लगे, 3 दिन से थाना बंद कर ले पहुंच जाए घर में, तम कैसे मने। तो इटाढ़ी थाना क्या बोला है अभी आपको आज? जी वही मार अब पुलिस पे कंप्लेन की है ना? जी। तो पुलिस क्या बोली आपसे? इधर पकड़ पकड़ के इलाज कराओ मने ये सब। तो पकड़ा है, पकड़ा गया पुलिस उसे पकड़ लिया है जेल में। क्या नाम पड़ेगा अपना? पुष्पा देवी। यही 2 लाख रुपया मांग रहा है, कहता है कि अपने बाप मतारी से मांगो। कौन 2 लाख रुपया मांग रहा था? आलोक कुमार गुप्ता। अच्छा, आपके जो दिमाग है? हाँ, हमसे नहीं मांग रहा था, इन्हीं से मांग रहा था। इनसे क्या बोल रहा था कि मांगो नहीं तो आपको जान मार। सुनने में है कि वो गलत कारोबार करते थे? हाँ, हमको भी पता लगा है कि ये गांजा बेच रहा है। तो गांजा बेच रहे हैं, क्या आपको पता नहीं था पहले से जब शादी किया तो? उसमें ठीक थे कि बाद में कारोबार किए? हाँ, बाद में। तो मामला क्या हुआ आज की? आज वो मतलब गले पे बोली ना, हम फोन किया कि मतलब कि छत पर हम गई नहीं ना, तो गैला खाती समझ साज कहते तो तुर बाप बने ले बा छत।
ऊपर का कर भी लिया। कैसे पता चला कि मतलब यहाँ पे उनको गलत बताया था? फोन किया था। अच्छा, ये फोन की थी कि वो फोन किया था? यही आपकी बेटी? हाँ बेटी। तो हम थाना में फोन किए। थाना क्या बोला? तो बोला कि मतलब कि आइएगा तब ना, हम बहुत दूरी पर हैं तो कैसे हम जाएंगे, तब तक वो मार रहा है सब। उसके बाद क्या रहा? उसके बाद क्या हुआ? तो बोला कि मतलब कि ठीक है, हम चौकीदार को भेजते हैं। तो चौकीदार को भेजा, तो चौकीदार उन्हीं के पक्ष से माने जैसे कि बोला कि मतलब कि ठीक से रहो, अब नहीं मारेगा, जाए दो थाना में। क्यों एक बार गई थी थाना में हमसे पूछा। सुनने में आया कि हस्बैंड की गिरफ्तारी भी हुई है? हाँ, आज पकड़ा गया है उसको। हमारा एक बच्चा भी, लड़का भी भर्ती है। जी, नाम क्या है आपका? हैं, नाम क्या है आपका? नाम है राजा राम सर। कहाँ करने वाले हैं आप? मोथा ताराघाट धनी। किस जिले में पड़ता है? रोहतास। आपकी बहन को द्वारा बताया जा रहा है कि जो आपके बहनोई थे वो आपको बहन को मारपीट किए हैं, क्या मामला है पूरा? मारपीट के बहन फोन की घर पे, हम लोग को मालूम हुआ कि बहन को मारपीट किया है। हम लोग नहीं आ रहे थे, डर से उसके दबंग है, पहले से भी मारपीट किया है, 4-5 बार दबंग ही है। तो हम लोग आए तो हमारे साथ भी मारपीट किया। आपके बहन ही क्या करते हैं? यहाँ आए तो पता चला कि गलत काम करते हैं, गलत व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं। क्या गलत व्यापार करते हैं? मैंने दारू गंजा का सप्लाई करते हैं। यानी कि उसी विषय पर आपकी बहन जो है विरोध की है? हाँ, विरोध की है। उसी की वजह क्या हुआ था? वो 2 लाख रुपया बता रही थी बहन की, 2 लाख रुपया आप लोग दीजिए मांग रहा है। अच्छा, तो हम लोग नहीं दिया, मैंने 2 लाख रुपया मांग रहा है, इसीलिए मारपीट कर रहा है। क्या सुनने में आपकी बहन को गला भी दबाया है? हाँ, गला दबाया है पूरा, एक गला में निशान आ गया है। हाँ, इस पर पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस में गए थे आप लोग? हाँ, पुलिस गए थे, तो पुलिस बोल रही है कि ये तो कुछ फेवर में, लड़का के भी फेवर की है। क्या गिरफ्तारी भी हुई है किसी की? हाँ, गिरफ्तारी हुई। किसी गिरफ्तारी? लड़का और उसके पिताजी का। कहाँ करने वाले हैं? इटाढ़ी के। रही किस गांव के? इटाढ़ी, बक्सर इटाढ़ी। आपका घर कहाँ है? हमारा घर मोथा है। क्या लगेंगे आप उनके? लड़की का भाई लगेंगे। क्या नाम है अपना? विंध्याचल प्रसाद। यहाँ पे एक मामला आया है सर, क्या मामला है पूरा? जी, एक पेशेंट हमारे पास इटाढ़ी PAC से रेफर होकर के आई है। उस पेशेंट को उनके हस्बैंड और उनके रिश्तेदारों के द्वारा मारपीट किया गया है। सास ससुर, उनके और कोई भी रिश्तेदार थे, उन्होंने मारा है उसको, गला दबा दबा करके मारा है। वो गले में बहुत दर्द बता रही है कि मुझे सांस लेने को तकलीफ़ हो रही है, छाती में भी दर्द हो रहे हैं, सर दर्द हो रहा है, उल्टी भी की है, 3-4 उल्टी कर चुकी है। इससे लग रहा है कि हेड इंजुरी भी हुई है, माथा में चोट लगा है, शायद हिमाटोमा वगैरह हो सकता है। और ऐसे एक्सटर्नल ब्लीडिंग तो कहीं नहीं है, शरीर के किसी भी भाग में खून नहीं आया है। तो उसका ट्रीटमेंट हमने कर दिया है, ट्रीटमेंट करने के बाद रेफर कर दिया हाईएस्ट। सर, क्या लग रहा है आपके हिसाब से क्या हुआ है? मुझे ऐसा लग रहा है कि हेड में कुछ ज़्यादा चोट है, हेड इंजुरी लग रहा है, क्योंकि स्टनल कुछ दिख नहीं रहा है। मैंने एक्सरे करा दिया है, इस खोपड़ी का, चेस्ट का एक्सरे करा दिया है। सर, गले में भी निशान है? हाँ, गले में दबा, हाथ से दबा दबा के लोगों ने मारा है, इसके वजह से सर लग रहा है कि हो सकता है सफोकेट कर रही है। सर, रेफर भी किया गया है बाहर? हाँ, रेफर कर दिया गया है PMCH पटना के लिए, लेकिन पेशेंट पुअर होने के कारण असमर्थ है वहाँ जाने में। जिसे परिचय आपका? डॉक्टर अमलेश कुमार, सदर चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल बक्सर।